केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत बागेश्वर में लक्ष्य के सापेक्ष 3 गुना अधिक लोग अभी तक आवेदन कर चुके हैं। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक चंद्रमोहन ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना आम जनता में काफी लोकप्रिय हो रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए बागेश्वर को 700 का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन बागेश्वर में लक्ष्य के सापेक्ष 3 गुना अधिक लगभग 2500 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें से लगभग 1500 लोगों के आवेदनों को स्वीकृत कर फॉरवर्ड किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना समाज के उस तबके के लिए है जो कि मेहनत मजदूरी कर अपनी आजीविका चलाता है। सरकार की योजना है कि ऐसे लोगों को आर्थिक मदद कर उन्हें मजबूत बनाया जाए, साथ ही उन्हें श्रम के लिए आधुनिक उपकरण भी प्रदान किए जा रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना भारत सरकार ने 17 सितंबर 2023 को ये लॉन्च किया था, इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें भारत सरकार ने ही 18 व्यवसायों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से मुख्य है जो लकड़ी का काम करने वाले हैं, दर्जी हैं, लोहार हैं, टोकरी बनाने वाले हैं, राजमिस्त्री हैं, पत्थर तोड़ने वाले हैं, सुनार, धोबी, नाई, मोची, मछली का जाल बनाने वाले, कुम्हार, माला बनाने वाले, सभी जो भी इन व्यवसायों को करता है उनको CSC सेंटर के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, और उसके बाद जब वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र का होगा तो ग्राम प्रधान द्वारा इसका वेरिफिकेशन होता है, और नगर क्षेत्र में नगर पालिका या नगर पंचायत द्वारा इसका वेरिफिकेशन करके हमारे यहाँ फॉरवर्ड करते हैं, फिर हम भारत सरकार को भेजते हैं, ये जिला या DM मैडम की तरफ से जिला उद्योग केंद्र द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किए जाते हैं, इनको ये फॉरवर्ड करते हैं हम। बागेश्वर में कितने का लक्ष्य है, अभी तक कितने लोग आ चुके हैं? पीएम विश्वकर्मा में जो लक्ष्य हमें मिला है अभी 700 का मिला है, और 700 के अगेंस्ट हमें अभी 2300 आवेदन मिल गए हैं, जिसमें से हमने 1032 के आसपास हमने इसको वेरीफाई करके अपने स्तर से भारत सरकार को भेज चुके हैं, जिसमें से लगभग 300 को प्रशिक्षण अभी तक प्राप्त हो चुका है। तो जो प्रशिक्षण ले रहे हैं सर, उनको आने वाले दिनों में क्या आप लोन के साथ से भी मदद करेंगे? अच्छा, जो इसमें योजना की पात्रता है, मैं बता, कम से कम अभ्यर्थी को 18 साल का होना चाहिए, और 5 साल के अंदर अगर उन्होंने भारत सरकार या राज्य सरकार से कोई लोन लिया हो और उसे चुकता कर दिया हो तो वह इसका पात्र होगा, और अगर किसी परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो उस परिवार के किसी सदस्य को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, और जो इसकी योजना का लाभ है, पंजीकरण के उपरांत अभ्यर्थी को जैसे भारत सरकार से उनको या उनके मोबाइल में मैसेज किया जाएगा कि आपका प्रशिक्षण इस तारीख से इस तारीख तक है, तो प्रशिक्षण के दिन उनको 500 का प्रत्येक दिन का, मतलब प्रत्येक मतलब 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उस दौरान उनको 500 रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत उनको 15000 रुपये का एक टूल किट दिया जाएगा, और एक विश्वकर्मा कार्ड भी इस योजना के तहत दिया जाएगा। अगर उनको लोन की ज़रूरत होगी तो 1 लाख का लोन उनको 5% की दर से उनको लोन दिया जाएगा। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।